हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं बना रही हूँ पुए और इसे बनाना काफ़ी इजी है, काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये। और इस होली पे स्पेशली आप इस रेसिपी को बनाइए, ये झटपट से बन जाते हैं और किसी को भी अगर आप सर्व करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो इस होली में आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए और देखिए आप कितने अच्छे फुले फुले से हमारे पुए बने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने देखिए हाफ बाउल के करीब लिया है सूजी, और सूजी को मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए क्योंकि जो सूजी है वो काफ़ी फूलेगी अभी, तो 10 से 15 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे फूलने के लिए। तो देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको देखा, सूजी जो है हमारी अच्छे से फूल गई है, इसने पानी जो है वो पी लिया है। तो हमारी सूजी रेडी है, तो मैं इसको एक बड़े से बर्तन पे डाल दूंगी जो भी हमने सूजी ली थी। और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आपको पुए चाहिए उस हिसाब से आप क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिए। और हाफ कटोरी सूजी पे मैंने एक कटोरी जो है डाल दिया है मैदा, क्वांटिटी होना चाहिए 1:2 का। और एक काजू बादाम, इस पर मैं ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाएगा। आप लोग चाहें तो यहाँ पर अगर आपके पास नारियल है तो नारियल का बूरा या फिर नारियल को आप कट करके डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सौंफ, आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है उसको यहाँ पर डाल लीजिए। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर डाल दूंगी चीनी, और पुआ जो है थोड़ा हल्के मीठे ही अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा चीनी मैं इस पर नहीं डालूंगी। और फिर मैं इस पर दूध डाल दूंगी और दूध डाल के हम इसका एक अच्छा सा एक बैटर बना के रेडी कर लेंगे। और आप लोग चाहें तो यहाँ पर बनाना भी डाल सकते हैं, बनाना से भी जो है काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं हाथों से इसको सारे मिक्सचर को इस तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊँगी अभी। और ये मैंने थोड़ा सा डाला बेकिंग पाउडर, चुटकी भर बेकिंग पाउडर, ताकि अच्छे से फ्लफ़ी बने। और उसके बाद हमको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से फेंट लेना है जिस तरह की मैं फेंट रही हूँ, ताकि जो हमारे पुए हैं काफ़ी अच्छे बने। तो इसका बैटर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है अभी। और अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए फिर से इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। फिर 10 मिनट के बाद आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। इस तरह से आपको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तब हम तेल गरम कर लेते हैं, और जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम एक करछी से इस तरह से, देखिए एक ही साइड पे हम इसको इस तरह से डाल देंगे। आपको उसको घुमाना नहीं है, सिर्फ एक जगह पे पूरा का पूरा बैटर गिरा देना है, तो वो ऑटोमेटिक जो है इस तरह से फैल जाएगा। और उसके बाद हम दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको उलट पलट करके दोनों साइड से एक प्यारा सा गोल्डन कलर लाने तक इसको सेक लिया है, और फिर हम इसको निकाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा फूला है, बिल्कुल पूरी के जैसे ही लग रहा है अभी। तो जो हमारा पहला पुआ है बनके रेडी है। और पुए जो है, क्योंकि बर्तन के अकॉर्डिंग एक एक करके ही आप बनाएं, अदरवाइज़ वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरा पुआ भी बना लूँगी, बैटर लूँगी और उसको सिर्फ एक जगह पर ही गिराऊँगी। ये देखिए इस तरह से गिरा दूँगी और अपने आप ही पूरा का पूरा फैल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह से मैंने 1 by 1 सारे के सारे पुए बना लिए थे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे मोटे मोटे बिल्कुल फ्लफी से हमारे पुए बने हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग इसको किसी भी सब्जी के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं, और आप लोग इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसकी थिकनेस, और बहुत अच्छे जालीदार जो है हमारे पुए बने थे। तो चलिए आपसे अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग इस होली में इसको ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा।